आज करवा चौथ की व्रत है और हम लोग व्रत किए हुए हैं और उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। यहाँ हमारे घर के आगे बहुत बड़ा फील्ड है, फील्ड में यहाँ हम लोग सब दोस्त मिलके बैठने की व्यवस्था किए हैं और सब दोस्त मिल कर के एक जगह मनाते हैं। हम लोग का दोस्त सब बहुत अच्छे हैं और सब मिल कर के ये व्रत एक जगह ही मनाते हैं। तो अभी कुछ दोस्त नहीं आई हैं, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। और इस ये व्रत हम लोग आज पानी भी नहीं पिए हैं, खाना भी नहीं, जब तक चांद का पूजा नहीं करेंगे रात में। जब चांद निकल जाए तभी हम लोग व्रत तोड़ेंगे। तो अभी हम लोग कुछ दोस्त अभी बचे हुए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग शंकर भगवान की पूजा करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी, उसके बाद शंकर भगवान, पार्वती जी, कड़वा माई की, सबका यहाँ पूजा किया जाएगा। लेकिन कुछ दोस्त बचे हुए हैं, उनका इंतज़ार करने के वो आ जाएंगे, तब हम लोग पूजा शुरू करेंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ करवा चौथ का व्रत मनाती हूँ। ये बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, सुहाग के लिए सबसे बड़े त्यौहार है। और इसमें जो है हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना किया जाता है भगवान से, और सब सज धजती है, सभी श्रृंगार की करती हैं। तो उसके बाद जो है आशा देते हैं। बोलिए भाभी, बोल बताइए लंबी उम्र के लिए। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। रात में ही रख दो, रात में रख दीजिए। अरे हाँ, आपका नाम क्या था भाभी? साधना भाभी ने अपना एक्सप्लेन करी कि पति के लंबी उम्र के लिए करवा चौथ हम लोग मनाते हैं, और जितना सुंदर है उतना सुंदर बोलती है, बहुत ब्यूटीफुल है। वो तो मेरे पश्चिम है ना, छुपता है ना, इसीलिए हम चढ़ा। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए, ये हमारी गीता भाभी हैं, इनसे भी मैं एक लाइन में कुछ बोलना पूछना चाहती हूँ कि भाभी आप क्यों मना रहे हैं भगवान की, ये व्रत क्यों करते हैं करवा चौथ? पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। हाँ जी, और इसमें भगवान की किन किन भगवान की पूजा करते हैं? शिव भगवान की, गणेश जी की। अच्छा, करवा माता की। अच्छा, फिर रात में चांद को देखेंगे? चांद को देख के जल चढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। ये हमारी गीता भाभी ने अच्छा बताई। और ये मीनाक्षी भाभी हैं, ये भी कुछ बोलना चाहती हैं एक लाइन। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, अखंड सौभाग्य का रखा जाता है। हाँ जी, और क्या नाम है, सब भगवान की पूजा होती है। हाँ जी, करवा माता की पूजा होती है। हाँ जी, तो हमारे यहाँ तो वीरा कुड़िया होती है एक। हाँ जी, पूजा की। हाँ जी, आप कहाँ की बता रही हैं? दिल्ली के बारे में, हरियाणा, पंजाब? पंजाब में ऐसे मनाया जाता है। हाँ, तो हमारी भाभी पंजाब से हैं और इन्होंने ऐसे बताए कि यहाँ पे पंजाब में इस तरीका से करवा चौथ की व्रत मनाई जाती है। भाभी आपको दो लाइन कुछ बताना। करवा चौथ की सभी सुहागनों को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। भाभी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सुख चाहे दुख,
सुख चाहे दुख हो मिलके सहेंगे, है मेरी सासों मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। Thank you.
सबसे पहले जो है सुबह में 4 बजे उठे थे और सुबह में कुछ खाए, हल्का सा सरगई जिसको हम बोलते हैं उसको थोड़ा सा पानी पी लिए या दूध जिसके पास जैसा सुविधा होता है। कोई लोग उसमें जो है फल खाते हैं, कोई मिठाई खाते हैं, अलग अलग तरीका से सुबह में सरगई किया जाता है। उसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं लेना है, ना पानी लेना है, ना खाना लेना है, कुछ भी नहीं खाते हैं। शाम में हमने 4 बजे ग्राउंड में अपने फील्ड में गई थी सब दोस्तों के साथ में, वहाँ हमने आपने देखा। तो इसमें होता है कि सब सुहाग के सारे चीज 16 सिंगार जो पूर्ण सिंगार किया जाता है, सारे सिंगार लेडीज करती हैं, सभी स्त्रियाँ करती हैं। इसमें करवा की पूजा किया जाता है, इसमें शंकर भगवान पार्वती की पूजा किया जाता है, गणेश जी का पूजा किया जाता है और करवा माता का पूजा करते हैं और सब अपने अखंड सुहाग की कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पति का उम्र लंबा हो, उनकी कोई मुसीबत ना आए, उनके लिए ही बहुत सारा प्रार्थना भगवान से किया जाता है और सभी बड़ी खुशियाँ के साथ करते हैं। उसके बाद जो है चांद जो मौसम खराब होने के कारण